हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन हाँ, 2-3 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। मैं डेली शूट करती हूँ, थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी मैं डेली, लेकिन पूरा ब्लॉग कंप्लीट हुआ ही नहीं। वो यही रीज़न है कि मेरी तबीयत, मेरे को पता नहीं क्यों बैक पेन और यहाँ पे ना लोअर एब्डोमिनल, लोअर इसमें ना एब्डोमिनल जो भी है, मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, मैं कुछ शब्द नहीं बोल पाती, तो इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई, शूट नहीं कर पाई। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने परसों भी विजिट किया था, तो डॉक्टर ने कुछ मेरे को कैल्शियम आयरन की टैबलेट दी, जो आप देखोगे ब्लॉग में मैंने सब कुछ डाला है, जो डेली का 2-3 दिन से मैं छोटे 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 क्लिप्स बना रही थी, मैंने सब ऐड किए आगे ब्लॉग में, तो देखना। ये देखो क्रैनबेरी जूस पूरा रूम ऐसे 1-2 दिन में दवाइयों से भर गया, लेकिन एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ ठीक है। यूरिन टेस्ट वगैरह किया डॉक्टर ने, सब सही है, और आज थोड़ा सही भी लग रहा है। हो सकता है नींद ना पूरी होने के कारण ये सब हो रहा हो, तो आज मैंने प्रॉपर नींद ली है, तो नाउ आई एम फीलिंग बेटर। आप व्लॉग देखिए मेरी 2-3 दिन की क्लिप्स, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एंड कौशिक ब्लॉग। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी बजे हैं शाम के 8, रात के 8 और हम लोग आए गॉड सिटी मॉल, मैं और अभिषेक आए हैं, बच्चे घर पे ही हैं मम्मी के पास, और बस ऐसे ही आ गए हैं हम लोग, जैसे बैठे थे वैसे ही आ गए, क्योंकि हमें लेने अभिषेक के लिए शूज़, तो बस जा रहे हैं। फिर टाइम नहीं मिलता, वीकेंड पे रहती है बहुत ज़्यादा भीड़, तो अभी टाइम था तो आ गए, जा रहे हैं। कपड़े भी चेंज नहीं किए, ऐसे ही जल्दी जल्दी में आ गई हूँ। शूज ले आए हम लोग, अब इन्हें भूख लग गई देख के यहाँ पे वैसे घर पे खाना नहीं खाना होता है ना, घर पे तो अभी भी भूख नहीं लगती। खा रहे हैं हम लोग बर्गर, बहुत वेट करना पड़ रहा है यार, कम से कम 15 मिनट हो गए बैठे बैठे, कितनी देर में आ गए। सो जाऊं क्या मैं? गाड़ी की चाबी कहाँ है? नहीं आया अभी है, कर रही है प्रिपेयर, एक पावर बता रहा है, ये बोलने वाले हैं। इनको लग रही है बहुत तेज धूप, वेट नहीं हो रहा इनसे ना। फाइनली आ तो गए स्माइल फेस पे आ गई है स्माइल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बजे सुबह के 10:30, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, पराठे और सब्जी, बस उठो, हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। दवाई लेके आई हूँ अभी, डॉक्टर को दिखा के आई हूँ गाइस, एकदम से ना पता नहीं क्यों यहाँ पे बैक पेन होने लग रहा मेरे को ना, ब्रेकफास्ट करने के बाद लेटी थी, लेटते लेटते एकदम से पता नहीं क्यों बहुत तेज बैक पेन हो रहा, और कुछ टाइम से हो भी रहा है मेरे को बैक पेन, लेग पेन कभी भी स्टार्ट हो जाता है, तो बस लेके जाना पड़ा, अभिषेक लेके गए डॉक्टर के यहाँ, और उन्होंने इतनी सारी दवाई दे दी है, बोल रही थी कि कैल्शियम और आयरन की कमी हो रही है थोड़ी सी, मे बी कैल्शियम और आयरन की कमी है, तो
दवा दे दी है 15 दिन की, मतलब 15 दिन की क्या, 1 महीने की दवा दी है। मैं तो 15 दिन की लेके आई हूँ, पहले खा के देखती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट उन्होंने बोला कि उन्होंने लिखे थे विटामिन डी के शॉट्स, अब मेरे को लग रहा था शॉट्स इंजेक्शन। और भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई सुनते ही ना। फिर मैंने पूछा कि यहाँ पे लगेंगे शॉट्स भी, तो बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे शॉट्स लगने वाले नहीं है, वो पीने वाली है ये। तो बस स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी दवाई आज से। यार परेशान हो गई हूँ मैं ना, किस किस को मेडिसिन अच्छी नहीं लगती है। बहुत से लोग तो खा जाते हैं एक बारी में, खा तो मैं भी जाती हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है यार, छोटी सी हो तो। रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, थोड़ा पेन कम होगा तो शॉर्ट्स बनाऊंगी। फ्रेंड्स कल कोई ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा, पता नहीं अजीब सा मन हो रहा है एक दो दिन से ना, मन ही नहीं कर रहा मेरा एकदम, जैसे मूड स्विंग होता है ना, मन नहीं लगता वैसे ही हो रहा है। तो मेरा मन ही नहीं हुआ कल ब्लॉग डालने का। आज भी एक तो मेरी नहीं हो रही है नींद पूरी, मेन बात है ना, मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही। रात को 12-1 बजते हैं सोने में, डेली 12-1 तो बजी जाती है नॉर्मली, और सुबह बस मेरे को 5-5:30 उठना है अब उनकी स्कूल टाइमिंग की वजह से। अभी भी मेरी आईज इतना पेन कर रही है ना खाने पीने का मन होगा, तो इसी वजह से कल ब्लॉग नहीं डाल पाई। ये देखो मीरू अभी स्कूल से आई है, ये मम्मी यहाँ पर ही थी तो ये आ गई मम्मी के पास। अभी हमने क्या खाया है, बुआ ने क्या खाया था, अभी क्या खाया था, राइस कड़ी और राइस। मम्मी ने बनाई थी उधर कड़ी, तो कड़ी ले आई थी उधर से, राइस मैंने बनाए थे, तो कड़ी और राइस खाए। मन ही नहीं हो रहा उठने का बिल्कुल, मम्मी आई है उन्होंने ही वो थोड़ा सा बनाया है खाना भी, राइस बनाई है और पकौड़ी बनाई है, होती ना हमारे यहाँ पे बड़े बोलते हैं उन्हें, उड़द की दाल के बड़े खाते हैं वो कड़ी के साथ। तो बस रेस्ट ही करूँगी यार 100 सालों तक खुल गई, अब तो 2 दिन रेस्ट मिल जाएगा, सैटरडे संडे थोड़ा सा सुकून मिलेगा।